गुड। डिटरमिनेंट का होमवर्क का क्वेश्चन दिया था ना, याद आया तुमको? हाँ सर, नहीं हुआ। ठीक है, मैं कराता हूँ, बस मुझे क्वेश्चन स्क्रीन पे ले लूँ, मैं शेयर कर लूँ। ओ, मैक में आ गया, यही था ना? सर कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, देखो चाहिए था। गुड इवनिंग वेरी सर। वेरी गुड इवनिंग। यही क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे था ना, मेरे साथ यही था ना। यस आज बेटा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, थोड़ा फास्ट मोड में चलेंगे। हाँ, जहां तुमको समझ में नहीं आएगा मेरे को बोलते रहना, ठीक है? ओके सर। चमकाए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, तुमको मजा भी आएगा। कुछ कुछ स्ट्रेट लाइन में मजा लेना चैप्टर में पूरा एकदम से। क्या बोला गया है? इक्वेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ना, किस एंगल के एंगल? ए देखो मुझे, मैं ये ट्रायंगल बना लेता हूँ, एंगल एबीसी के। अच्छा मुझे एक चीज बता दो फटाफट, एंगल ए के क्या वर्टेक्स? X1 कॉमा वाई वन वन, X2 कॉमा वाई टू, या क्या X3 कॉमा? वाई थ्री अब देखो बेटा, अप्रोच बहुत सिंपल अप्रोच रखेंगे, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पहले लिख लेता हूँ, और ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मुझे बताओ डी के को डी किस रेशियो में डिवाइड करता है? मैंने तुमको एक दिन पहले बचपन में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। यदि एबी एसी यदि ये बीटी बाय ये डी सी है, ये बी है, तो ये किस रेशियो में होगा? सी बी हो जाएगा, कोई सी। बुराई हाँ सर, नहीं है, नहीं है। तो ये डी के नहीं कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? CX3 + कितने? बी वाई टू वी एक्स टू अपॉन सी प्लस बी, CY3 + BY2 / में कितना है बेटा? सी सी प्लस प्लस बी। क्या ये तुमको मेरी? अब मुझे किसकी क्वेश्चन? मैं पहले इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन लिखता हूँ, कौन से एंगल की इक्वेशन लिखता हूँ? AD की। तो AD की इक्वेशन क्या आ जाएगी? AD की, फिर एक्सटर्नल भी बना देंगे ऐसे, ए ही ना। पहले AD की बोलो क्या होगी? X, Y और क्या? 1, ये तो आएगा ना हर इक्वेशन में AD में तो। अच्छा, एक पॉइंट ए का कितना? X1, Y1 और 1। D के तुमने निकाल लिया, D के कितने निकाल लिए बेटा? CX3 प्लस CX3 + BX2 / में कितना? CY3 + BY2 / में 1, C + B 1। यहां तो समझ में आया? यस सर, यहाँ तक ही हुआ था यदि उसका यहां तक भी हुआ तो वेल एंड गुड है, मेरे को तुमसे कोई शिकायत ही नहीं है। यदि किसी बच्चे का यहां तक हो गया ना, तो मेरे लिए तुम सेटिस्फाई, मैं मतलब आगे तुमको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी, उसका कोई तुम्हारा कोई गलती नहीं तुम्हारी, ठीक है? भी। यस सर, अच्छा, मैंने बोला जुगल भैया को ए की क्वेश्चन लिख दो, AD की जगह किसकी क्वेश्चन लिखनी बेटा? ए ए। तो जुगल देखो क्या करेगा बेटा, ए की क्वेश्चन लिखते टाइम उसको पता है कि ये सेम रेशो सर ने एक दिन हार्मोनिक कंजुगेशन में पढ़ाया था, क्या किस रेशो में डिवाइड करता है? ओ सी माइन सी प्लस बी में ही कर सी इज टू बी में ही करता है, पर लेकिन एक्सटर्न कैसे? एक्सटर्नली? एक्सटर्नली। हाँ सर, ये उसमें फर्क क्या पड़ जाएगा? नीचे क्या आ जाएगा? माइनस? खाली माइनस माइनस। ऊपर नीचे माइनस। अब आते हैं किसकी, अपन डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी थोड़ा समझा दूं, थोड़ी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी चमकाया जाए बेटा। डिटरमिनेंट में क्या कर सकते हो? ये देखो, ये वाली जो पूरी रो है, कौन से वाली रो? ये दिख रही है? हाँ सर, अब देखो इसको पहले तो B + C से मल्टीप्लाई कर देते हो, यदि डिटरमिनेंट में। देखो अब मैं इस सवाल तुमको हल्का हल्का चैप्टर, कौन से चैप्टर में इंसर्ट करा रहा हूं? डिटरमिनेंट मैं यदि किसी रो, यदि मैं इसको B + C, मैं डिटरमिनेंट में खास बात होती है, कोई भी रो को दोनों तरफ एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने दोनों तरफ B + C से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर फर्क क्या पड़ेगा? इधर कुछ नहीं पड़ेगा, इधर क्या हो जाएगा? CX3 + - कितना हो जाएगा? BX2, CY3 + - BY2, ए सी प्लस प्लस माइनस प्लस बी सी प्लस माइनस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा? जीरो। यहां तो समझ में आया, प्रॉपर्टी क्लियर होगी प्रॉपर्टी। यस सर, अब देखो, अभी भी देखो, ये जो पूरी रो है, दो एलिमेंट का सम दिखाई दे रही है? देखो, एक और दो, एक और हाँ दो, एक और दो, तो ये भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। यदि एक गली दो, एक गली मतलब मैं गली वर्ड यूज करूंगा, या तो रो के लिए या किसके लिए? कॉलम
तो उसको आप दो का एक्सप्रेस कर सकते हो ऐसे, एक्स वन सॉरी एक्स एक्स वन सी एक्स थ्री, वाई वाई वन कितना सी वाई थ्री, वन वन और कितना सी, प्लस माइनस, चलो अभी प्लस माइनस नहीं था, प्लस लेता हूँ, इधर क्या हो जाएगा एक्स एक्स वन प्लस माइनस क्या हो जाएगा बी एक्स टू, वाई वाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा वन वन प्लस माइनस बी इजिकल टू कितना जीरो। देखो मैंने डिटरमिनेंट दो प्रॉपर्टी यूज कर ली और मुझे इस क्वेश्चन के तो तुमको दो प्रॉपर्टी बताने का मौका मिल गया। यहां से कॉमन क्या आ रहा है पूरे में से, इधर में से लास्ट में से सी सी कॉमन ले लो, वो कॉमन एक गली में से कॉमन लिया जा सकता है, ये समझ में आ रहा है, बी यहाँ पे प्लस माइनस बी ले लो प्लस माइनस वो उधर जाएगा। अब इस प्रूफ हो गया, यस सर। हाँ सर। चमक गया, हाँ सर। नोट कर लो। देखो इस बस डिटरमिनेंट का और छोटा सा प्रॉपर्टी क्या थी, हमको पता होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। करते हैं, क्योंकि बच्चा बेटा वहां पे अपने को लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में डिटरमिनेंट मिक्स कर दिया, कुछ भी टफ नहीं है। और लुक कैसा आता देखो, तो समझ में आ रहा है। ये जहाँ पे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल ऐसे कट करते हैं बीसी को, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है ना। अब बी से बी डी बी सी और बी इन आर इन एक्स पी होंगे, ओके सर। एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक कंजुगेशन ना। हाँ सर। अब थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे इसके बाद फिर क्वेश्चन। अमन क्या पी रहे हो, क्या कुछ नहीं। हाँ सर। मुझे लग तो रहा है। नहीं। लिख लिया यस सर। एक मिनट। सर इसमें से बी कैसे बाहर, बी पूरी थर्ड रो में कॉमन क्या आ रहा है पूरा का पूरा बी कॉमन, कोई एक पर्टिकुलर रो में से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन में अपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। और उसको पूरे उसके बाहर डिटरमिनेंट के बाहर लिख, हाँ मतलब एक्चुअली डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो ये एक इसकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसकी वैल्यू 10 आ रही है मान लो, मुझे नहीं पता कितने लेकिन मैंने कितनी मान ली 10। यदि मैं इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, कर लेकिन एक पर्टिकुलर रो पे। हाँ सर। कॉलम में नहीं चलेगा ना ऐसा। ओके नहीं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं जो रो के लिए हो, वो कॉलम के लिए भी वैलिड। होती ही है। हाँ इसलिए मैं वर्ड में गली यूज करूंगा, गली मतलब रो वाइज भी हो सकता है और कॉलम वाइज। कॉलम वाइज लेकिन ब्रो ब्रो इधर देख, इधर राइट हैंड साइड में जीरो होता है ना, इसे मैंने दोनों तरफ कितने मल्टीप्लाई कर दिया सी प्लस बी से किया, तो यहाँ पे सी प्लस बी इधर भी क्या किया, जीरो इंटू सी प्लस बी कितना हो गया। हाँ अभी तू यहाँ किससे मल्टीप्लाई करने का सोच रहा है, वन बाय सी से इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो यदि इधर सी से मल्टीप्लाई तो बाहर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, तू ऐसा सोच रहा ना, ऐसा यहाँ पे सोच उल्टा, तो यहाँ पे सी प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहा है तो बाहर क्या करना पड़ेगा डिवाइड, वन बाय तो यहाँ पे क्या होगा, ये सी प्लस बी ये उधर जाके क्या हो जाएगा वापिस जीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो था। नेक्स्ट हम क्या टॉपिक, छोटा सा
ये तुमने पढ़ा भी होगा स्कूल में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम द टू द लाइन या फ्रॉम द लाइन। चमक गया सर? क्या टॉपिक है? मान अभी तुम, पहले प्रूफ समझाता हूँ, प्रूफ करना बहुत जरूरी है। मैं जेई में बोर्ड वर्ड में था तुमको से। मान लो ये लाइन कौन सी है बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जीरो, और एक पॉइंट है पंकज मंगला, उसके एक्स वन कॉमा कोऑर्डिनेट कितने वाई वन। अपने को कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी? पी एम। यहाँ तो कोई बुराई नहीं, नहीं। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, लॉजिकली सोचे। अच्छा पीयूष मिश्रा बोले कि हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं सर, पी इसका नाम रख देते हैं सर, बी इसका नाम रख देते हैं ए। पीयूष मिश्रा जी? हाँ सर। बेटा एक को, ए के कोऑर्डिनेट के लिए क्या जरूरी है तेरे को? वाई, ए, यदि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा ए का? जीरो, जीरो। हाँ तो ए के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे इसको वाई जीरो रख देंगे इसमें, तो माइनस सी ए बाई कॉमा किसमें आ जाएगा? माइनस सी ए बाई ए। हाँ बेटा बी के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? बी के जीरो कॉमा जीरो कॉमा माइनस सी बाई बी। अच्छा अब मुझे बताओ, यदि मुझे ट्रायंगल पीएबी का एरिया निकालना है, ट्रायंगल पीएबी का एरिया कौन से फॉर्मेट से? हाफ इंच। हाँ अब वो कैसे निकालेंगे? हाफ एक्स वन, एक्स वन ये रहा, वाई टू माइनस वाई थ्री होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी बाई बी हो जाएगा, जीरो माइनस सी बाई बी। गलती मेरी देख लेना, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री। एक्स टू, एक्स टू कितना है? वाई थ्री माइनस वाई वन। ए भाई तुम मुझे ना मैथ्स बुला दोगे, ठीक है? हाँ सर। कुछ वाई वन माइनस वाई टू लिखा हुआ है, एक्स टू माइनस सी बाय ए, वाई थ्री माइनस वाई थ्री कितने? माइनस वाई वन। अच्छा एक्स थ्री जीरो है, यस खुश हुआ मैं। एक्स थ्री कितने? जीरो। ये ट्रायंगल एरिया कैसे निकाला बेटा मैंने? वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। हां एक फार्मूला भी निकाल सकते हो, हाफ इनटू बेस इनटू बेस इनटू हाइट, हाइट इज इक्वल टू हाफ बेस कितना बेटा? अच्छा ये माइनस सी बाय ए, ये पूरी डिस्टेंस ये माइनस सी बाय, तो हाइट ये बेस कितना मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? ये रूट ऑफ सी बाय सी बाय सी बाय का स्क्वायर और सी बाय बी का स्क्वायर रूट। पीएम तो निकालना ही अपने को, चमक रहा है सर। अमन बोला सर ये हाफ से आप तो काट दो, काट दिया, काट दिया। अमन बोला यहाँ से सी 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 इसके बाहर निकल गया सी, और सी सी कॉमन लेके इधर भी काट दो, काट दिया सर। अमन जो बोल रहा वही कर रहा हूँ मैं, कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रहा। अमन बोला तो भाई, अमन बोला एलसीएम भी ले लो, मैंने बोला ए एक्स वन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी वाई वन प्लस क्या हो जाएगा? बी बी अमन बोला सर ऐसे एलसीएम लो, लो तो सही, लेकिन मुझे पता मैं थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाऊं। देखो इधर एक ए बी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं इन शॉर्ट, तो ये कितना हो जाएगा ए एक्स वन, और ये ए बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का सी हो जाएगा, प्लस का कितना बी वाई वन, और नीचे क्या हो जाएगा ए बी, यस सर नो? यस सर। अमन बोला सर वहां पे अंडर रूट में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या आएगा? थोड़ा फील ले लो। देखो मैं डबल मीनिंग में हमेशा क्लास में बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, ये पॉइंट कौन सा? एक्स वन कॉमा कितने? और ये डिस्टेंस ये कौन, ये लाइन कौन सी? ax plus by plus c is equal to कितनी है? जीरो। ये मुझे लाइन निकालनी, डिस्टेंस कौन सी निकालनी बेटा? pm। pm तो pm डिस्टेंस के लिए पहले मूड बनाओ, पहले क्या बनाओ? मूड, मूड फिर लंबी खींचो लाइन, खींच दी सर। पहले मूड बनाना, बाद में क्या खींचनी है? लाइन, फिर मुक दो इसमें पॉइंट, ठीक है सर?
मुक दिया सर। अंडर रूट में x के आगे क्या लगा, x के x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का। हां सर फार्मूला याद आ गया सबको? यस सर। पहले मूड बनाना है, फिर लाइन खींचनी है, फिर मुक देना है। हां x1 plus b y1 plus c अपॉन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चमक गया, तो अब इसका प्रूफ लिख लो। लिख लिया सर, लिख लो लिख लो। हर्ष गालियां देगा नहीं तो। ओ हर्ष वैश्यार ब्रैकेट में यू क्यों लिखा बेटा? ओ मिनी मिलिशिया खेलते हैं ना, तो उसमें ऐसा लोग करते हैं, यू लिख देते हैं, तो कोई किसी को मारता ना तो यू खेल भाई। अरे वो चिन्ह मैंने पहले चालू किया था ना होस्ट ब्रैकेट में लिखना, तो तूने यू जान पाया? तो मैंने मी लिखा, ईशान ने मेरी कॉपी मार ली तो मैंने यू लिख दिया। हां बस यार तू है तो सुधरा नहीं हुआ, मैं तो सीधा है, मुझे अभी लगने लगा है। हाँ कुछ तो डार्क सीक्रेट होगा ना। हाँ ओ हम ओम को थोड़ा बहुत जानता होगा, है बहुत नहीं पता, एक आधा तो पता होगा ऐसा। इसको बस बिना चश्मे के ऐसा लगता है कि बस वसियार को दिख ही नहीं रहा। वसियार नहीं नहीं देखते हैं कि कितनी मारना चाहिए ताकि बच्चों को लगे फॉर्मूला पूछते टाइम। नहीं नहीं चिन्मय के लिए मेरे को ड्रेस बनानी है। ओके क्यों लिख लेना तो बता दे। वो गया सर। लिख लिया। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक। यस टॉपिक समझ, अभी टॉपिक दो दिन टॉपिक खत्म कराने के बाद ही मैं सांस लूंगा, सांस में सांस। चलो नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा छोटा टॉपिक है, सब छोटा टॉपिक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, चमकाऊं? लाइंस, ये दो लाइनें मुझे बताओ कि पैरेलल कैसे, तुमको शक्ल से कैसे दिख रही है पैरेलल है? मैंने बनाई है इससे लग रहा है तो, या तुमको ऐसे लग रहा है इक्वेशन की वजह से? सिर्फ कांस्टेंट लगे। दोनों की स्लोप कितनी है? माइनस ए बाय बी। अच्छा अब ये मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालनी है, समझ में आया बेटा? परपेंड मतलब सारी डिस्टेंस इक्वल है, इसको बेटा मैंने क्या मान लिया? डी। कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं बेटा। उन इस करोड़ों पॉइंट में से मैंने एक एक करोड़ ए वाला पॉइंट मान लिया, देखो मैं डी डिस्टेंस निकालने में इंटरेस्ट हूँ, और ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया एक्स वन कॉमा वाई वन। अब तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ना, इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, क्या हो जाएगा इस पे? पहले मूड बनाएंगे, लंबी खींचेंगे, ये वाला पॉइंट इसमें नाक देंगे, तो क्या हो जाएगा? ax1 plus by1 plus कितना हो जाएगा? c2 upon में अंडर क्या हो जाएगा? root of a square plus b square। अब अमन बोला सर x1 y1 तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा x1 y1 किस पे लाई करता है, कौन से लाइन पे लाई करता है? ax plus by plus c1 सेटिस्फाई करेगा? हाँ सर। ax1 plus by1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? minus c1 आ जाएगी। हाँ सर। तो c2 minus c1 upon में अंडर रूट क्या हो जाएगा? a square plus b square। तो दो पैरेलल लाइन के डिस्टेंस निकालने का कितना शानदार फॉर्मूला है, दोनों को माइनस करो अपॉन में क्या कर दो, रूट a square plus b square। लेकिन इसमें कभी कभार वो बावले होते हैं, अंधे हो जाते हैं प्यार में। मान लो एक सवाल ये दिया, ये भी पैरेलल लाइन है ना, मान लो ये दिया, दूसरा कुछ भी लिख लो, 2x plus 2y plus 3 equal to कितना? जीरो। अब तुमको बोला फाइंड डिस्टेंस, तो तुम माइनस करोगे तो ऊपर एक्सेस कटेगा क्या? नहीं वो पहले सेम या तो इसको 2 से डिवाइड करो या इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करना मुझे सेक्सी लग रहा है, कर दूं? यस सर। अब कर निकाल लेना, अब ऐसे ध्यान रखना 3 माइनस 2 अपॉन में कितना का 4 और 4, क्लियर? तो ये छोटा टॉपिक लिख लो, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये बोर्ड में सब पढ़ा रखा है स्कूल में भी, c2 minus e1 upon में root a square plus b square b square।
ओ क्या ये पागल हूँ ओ भाई आज मैं लैपटॉप के सेंटीमीटर चेक करता हूँ जितने बोलते हैं एप्पल वाले उतना ही होता है या कम ज्यादा होता है कैसे पता चलता है डायगनली करना होता है क्या स्क्रीन का या कीबोर्ड वाले का इक्वल होगा सर ऐसा है क्या ऐसा है तो स्क्रीन का लेते हैं बेटा साले था सर बस करके ट्राई करो क्या ब्रो अरे डायगनली होता है कि स्ट्रेट होता है डायगनली और डायगनली तो सही ना डायगनली तो सबसे लॉन्ग हाँ 24 इंच की हाइट दे तो मजा आए 15 इंच 24 इंच की क्या दे हाइट और 7 इंच की विड्थ और 25 इंच का डायगोनल देंगे ओ भाई भाई अल्लाह मोरी अम्मा बापू तेरी दम्मा लकीली तू हाँ सर सर आपने वो होमवर्क दिया था तो क्वालिटी का ना नहीं वो डीबीएस वाला तेरी तो क्या दिया था अच्छा किस किस को याद है कौन सा मंडे और संडे याद है अरे यार फ्राइडे भी याद है मुझे फ्राइडे याद है किसको पूरा याद है किसको पूरा याद है दावा नहीं कर सकते हम सबको मिला कर मंडे बना वो वाला ए हर बजे सुना मंडे को क्या था बेटा मेन्यू में बटे का ठीक है ट्यूसडे को अरे सर याद आ गया शायद से पूरा करेला 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 अरे तुम मुझे बुला दोगे जिसको एग्जैक्ट याद है भिंडी भिंडी मत बोलना ट्यूसडे को करेला वेडनेसडे को भिंडी और तो टिंडोड़ा हाँ और फिर पंजाबी साउथ इंडिया साउथ इंडियन संडे को खिचड़ी या फिर कुछ और अने अदर वैरायटी पार्टी अपन करते हैं अपन संडे को पीडीएम के संडे को तुम्हारे घर वालों तारीफ कर देगी तुम पढ़ते हो पार्टी पक्का डन अरे वही दावा नहीं कर सकते मुझे पार्ट के घर से शिकायत तो नहीं आएगी बाकी वो लग रहा है कहीं होंगे बेटा दो लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला वैसे पढ़ रखा है अपन ने क्या पहले कभी नहीं सर बोर्ड में पढ़ा है कोई दिक्कत tan theta is equal to mod देखो बेटा ये एक लाइन जा रही दिख रही है तुमको दूसरी लाइन के साथ सेटिंग कर ली ये लो ये एंगल थीटा 1 है और ये वाला कितना है थीटा 2 तो ये वाला मान लो देखो तुमको पता है ना दो लाइनों के बीच में एंगल है तो एक एक ऐसा ही बोल सकते हो कि एक्यूट एक दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस तुमको ये पता है कि दो इंटरनल एंगल का सम किसके पैरेलल पैरेलल का बाहर के एक्सटीरियर एंगल से क्या हो रहा है 180 वाओ वाओ 180 क्यों बोला मैं पैरेलल वो तो क्या हो रहा है बेटा हाँ। ऐसा तो नहीं किया तुमने आज नहीं नहीं थीटा 2 माइनस अभी कुछ पी रहा ना बेटा इसकी स्लोप tan theta 1 को क्या बोल दिया बेटा tan theta 2 को m2 और इसकी स्लोप को क्या बोल दूं मैं m1 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 तो यहां से देखो theta is equal to क्या आ गया theta 2 minus theta 1 दोनों तरफ 10 ले लूं क्योंकि 10 में इंफॉर्मेशन पता है हालांकि फॉर्मूला भी रटा हुआ है अपन ने लेकिन फिर भी फॉर्मूले का प्रूफ देख लो 10 a माइनस 10 बी अपॉन में 1 प्लस 10 बी तो ये देखो अभी देखो बेटा मेरे को मोड तुमको ये बच्चे जो मोड में कंफ्यूजन होते हैं उसको मैं क्लियर कर दूं यदि किसी एग्जामिनर ने बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस अब तुमको पता है इसके दो आंसर हो सकते हैं एक एक्यूट दूसरा कौन सा ऑब्ट्यूस
अब खुद बच्चे बोलते सर m1 माइनस m2 करना है या m2 माइनस m1। अरे भैया एक तुमको खुद को पता है यदि एक आंसर पॉजिटिव है दूसरा आंसर अपने भी क्या आएगा नेगेटिव, और उसकी चिंता नहीं करनी। एक आंसर 2 आया tan थीटा की वैल्यू, तो दूसरा आंसर अपने भी कितना आएगा माइनस 2 ही आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी तुम दोनों ये खाली ऊपर में डिफरेंस आएगा नीचे तो मोड़ लेना। हाँ तो ध्यान रखना कि यदि मैंने बोल दिया एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन तो फिर क्या लगाओ आगे? अभी एक्यूट के लिए मोड लगाना पड़ेगा, कारण क्या? क्योंकि तभी तो जीरो से लेके कहां तक होगा 90 के बीच में होगा। अरे मोड कब लगाना है जब कौन सा एंगल की बात चल रही हो? और वैसे बिना मोड लगाए पॉजिटिव आ रहा तो अच्छी बात है, लेकिन मोड लगा लो तो सेफ जोन में रहोगे। लेकिन किस केस में? एक्यूट एक्यूट पता नहीं चलेगा। क्लियर है? यस सर। अब इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ कुछ चीजें काफी कुछ प्रूफ कर सकते हैं। जैसे पहली चीज क्या प्रूफ कर सकते हैं, यदि टेन थीटा की वैल्यू जीरो हो गई है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? जीरो। जीरो तो मुझे बताओ कोई रिक्शा वाला ही बता देगा कि दो लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी? आंसर। दो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी तो दोनों की तो m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? m2। अब देखो बेटा छोटी चीजें आप लोगों को पता है लेकिन लिखना जरूरी नोट्स के लिए, पहले मैं समझ लेना। लाइंस आर पैरेलल तो इसका मतलब m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2। यदि लाइंस परपेंडिकुलर है, ओहो ये तो हैंग हो गया, लाइंस परपेंडिकुलर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। तो ये tan अनडिफाइंड होगा, मतलब अनडिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? जीरो। इसका मतलब लाइंस आर क्या? परपेंडिकुलर। उस दिन मैंने बोला था कि कभी कभार दिखेगा नहीं वो, उस केस में जब x के पैरेलल हो दूसरा किसके पैरेलल हो? y के। लेकिन ये तो दिखता ना m1 m2 इक्वल टू क्या? माइनस वन। अब तीसरा पॉइंट है ना बेटा, वो मेरा फेवरेट पॉइंट है क्योंकि ये दो तो सबको पता होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, हालांकि तुमको जल्दी चमक जाएगा लेकिन कभी बार क्वेश्चन में आ जाए तुम डायरेक्ट अप्लाई करोगे। टू नॉन पैरेलल लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस। देखिए क्या सीन बन सकता है, पहले तो पैरेलल लाइन का सोचो। यदि ये एक्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस। यदि मान लो ये वाला एंगल कितना है बेटा? थीटा। ये लैग क्यों करने लग गया यार? m1 is equal to minus m2। एक्सीलेंट। ये वाला केस तो है नहीं क्योंकि ये वाला केस पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल। अब उसने कौन सा केस बोला है? नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल। तो नॉन पैरेलल केस में कैसे डायग्राम बनेगा? वो मतलब नेगेटिव x एक्सिस के साथ थीटा हो जाएगा। एक ये वाला थीटा और ये वाला कौन सा थीटा? तो तुमको पता लगेगा कि एक तो इसका इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा? इंक्लिनेशन तो ये वाला होगा ना, पाई माइनस थीटा। तो एक m1 कितना हो जाएगा? 10 थीटा। और m2 कितना हो जाएगा? 10 पाई माइनस थीटा। तो m1 plus m2 is equal to क्या हो जाएगा? जीरो। तो कभी कभार ना ये कभी कभार डायरेक्ट सवालों में यूज करूंगा मैं जे के। तो m1 plus m2 is equal to 0 और lines non parallel है और with x axis equally inclined है, तो तुमको क्वेश्चन में चमक जाएगा। हाँ सर। क्लियर बेटा? यस सर। हाँ। अब पहले ये लिख लो कॉपी भरो प्रतियोगिता। भर गई सर। ये तो हो गया सर। तुमने सिर्फ फॉर्मूले नहीं प्रूफ भी लिखने हैं। हाँ सर, उसके साथ लिख लिया। सबका डन? हाँ सर। सर कॉपी भरो प्रतियोगिता, 10 सेकंड देता हूँ मैं। ये भी हो गया। डायग्राम भी बनाने हैं। अब बनाया। मैं फोटो खींचूंगा। पानी नहीं है, प्रोटीन से कहूली है। अरे आज से चिपके का नाम मूलिया। ये अच्छा नाम है। सर सर हुलिया नहीं, चुनिया रखो, चुनिया। अरे अरे एक मैं कभी वैभव उत्तर को कल ही मिला था, छोटा सा वैभव कोटेजा। हाँ सर, बाद में मैंने रात को 12:30 बजे भी उसको देखा था एक्टिवा पे। कल? हाँ सर। कल ये पार्टी, कल इन्होंने पार्टी दी थी ना, तो इसलिए लेट उठे थे। तो पता है कल इन्होंने स्कूल में मजे कैसे लिए सर के ऑनलाइन में? इनको दिवाली वेकेशन नहीं पूछते थे,
सर ये छुट्टियां कब है? अरे सर हमारे स्कूल में ना ऐसा क्या हुआ था, वो हम टेंथ में थे और नाइन्थ वाली एक लड़की ने ना हमारे दूसरे एक सर को क्या बोल दिया आप समझ गए? तो फिर वो सर ने सुन लिया तो बाद में बोलते मैंने वो नहीं चुनिया बोला, तो बाद में सर भी पूछते डू यू थिंक आई एम अ चुनिया? सर मेरा ऐसा केस प्रिंसिपल के साथ हुआ था, किसी ने झपट मार दी मैंने बोलना शुरू कर दिया, पीछे से प्रिंसिपल आ गए तो सर बोले छूती है ना। यार क्या कर बच्चे आजकल के, जिनसे बार बोले तो मैं छूती आ दे दूंगा। और तू काम पे रखड़ रहा 12:30 बेटा? सर अरे वो मम्मी पापा के साथ बाहर गया था ना। अच्छा मैरिज में? हाँ फिर ठीक है, इसलिए बाद में सब बिल्डिंग वाले फ्रेंड्स थे तो उनके साथ आ रहा था घर पर वापस। कोई गर्लफ्रेंड बिल्डिंग? नहीं नहीं। लिख लिया बेटा? हाँ सर। आ जाओ एक नया टॉपिक, अभी थ्योरी पे मैं फोकस करो, दिख रहा है? दिख रहा है। देखते मैंने तुमको कितने कॉन्सेप्ट करा दिए, परपेंडिकुलर वाला भी करा दिया, इन अभी चौथा कॉन्सेप्ट इमेज जो मेरा फेवरेट है बेटा, जिस तरीके से मैं पहले प्रूफ कराऊंगा समझ लेना ठीक है, कहीं नहीं लिखा हुआ है शानदार प्रूफ, उसके बाद इसको अप्लाई करते टाइम शर्माने का नहीं। पहले तो मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का प्रूफ भी बता रहा हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो बेटा, और मैं इस चैप्टर में मैं अपना नाम पूरा यूज करूंगा पंकज, हरामी है। x1, y1 और ये लाइन जिंदगी में अपना खुशहाल जीवन जी रही थी, इसका नाम था ax + by + c = 0। पंकज ने हरामी ने इस पे क्या मारा? लाइन। और उसको लाइन को जाके काम पे लगा एम मैम के लो तुम पंकज मंगला बनाओगे, क्यों ले लिया ठीक है। और ये क्यू पॉइंट है, अब इसके अपने क्यू के कोऑर्डिनेट निकालें, डिस्टेंस नहीं निकालें, डिस्टेंस के लिए तो फार्मूला ऑलरेडी बना हुआ है, x1 + y1 + c√a² + b²। देखो अब इसकी थोड़ा चमकाए जाए क्या करना चाहिए। यस सर। अब मुझे देखो, मैं देखो क्या सोच रहा हूं, मैं मुझे क्यू पॉइंट निकालने, देखो कैसे एल्गोरिथम सोच रहा हूं, मैंने इसके कोऑर्डिनेट मान लिया h, क्या मान लिया k। तो मुझे बताओ कि इस लाइन की, इस लाइन की जो ये है, एक तो h कॉमा के किस लाइन पे लाई करें, l लाइन पे लाई करें, क्या करेंगे? 35 करेंगे। तो ये पहले बना के रख लेता हूं क्योंकि मुझे कहीं यूज करना पड़ेगा, मैं फटाफट कर लो, h + b + c = कितना? 0 0 कोई बुराई? नो बुराई ना। अच्छा मुझे बताओ इस लाइन की जो स्लोप है, इस लाइन की स्लोप, किस लाइन की स्लोप, PQ लाइन की और L लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1 -1। अच्छा ये अपने पास -1 होगा, तो और अपन, अच्छा मैं पहले PQ लाइन लिख लूं, PQ लाइन की फोटो क्या आएगी? h - x1। तो स्लोप निकाल लेते ना, स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा? -1 आएगा। हाँ सर। a - y1 अपॉन में h - x1 इक्वल टू कितना का? माइनस, दोनों का प्रोडक्ट -a/b, मतलब इसकी कोऑर्डिनेट +a/b, b/a ना। हाँ सर। ऐसा कुछ बन जाएगा क्या? यस सर। तो यहाँ से मेरे को पीयूष मिश्रा बोलेगा सर k - 1/b इक्वल टू h - x1/a हो गया, यस और नो? यस सर। हाँ सर। अब देखना बेटा, थोड़े थोड़े मेरी कलाकारी देखना, जो मैं प्रूफ जिस शानदार तरीके से मैं कर रहा हूँ, तुमने बचपन में वो तो पढ़ रखे ना, देखो ये वाला इधर इधर कॉर्नर में लिख रहा हूँ, यदि a = b = c = d हो तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, a + c ये इक्वल होगा a + दोनों को न्यूमरेटर ऐड कर दो, b + d। यस सर। प्रूफ करना तो इक्वल टू k लेके कर लो, प्रोपोर्शन का बेसिक में कितनी बार बोला था। हो जाएगा प्रूफ 2k a/b। हां सर। अभी देखो मैंने क्या किया, इसका प्रूफ करने के लिए तुमको जानबूझ के समझाने के लिए, लेकिन मैं तुमको और सेक्सी बनाने के लिए, जुगल बोला सर मजा नहीं रहा, जब तक शानदार प्रूफ नहीं कराओगे तब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, मैंने बोला ले b से मल्टीप्लाई कर ले, पीयूष बोला मुझे भी मजा नहीं आ रहा, मैंने बोला a से मल्टीप्लाई करे, दिख रहा है पीयूष मिश्रा? हां सर। अब मैंने एक प्रोपोर्शन वाला गेम खेल लिया, ah + bk - x1 - by1 अपॉन में कितना आ गया? a² + b² कुछ समझ यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। अच्छा जुगल बोला सर आपने ठाउकी के सर आपने इसका पहले बना के रख दिया था, h + bk की जगह आप क्या ले सकते हो? -c माइनस सी माइनस सी। तो देखो बेटा
बाद में पूरा माइनस बाहर, इसको पहले बाहर लिख रहा हूँ और वहां माइनस पूरे पूरे को बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ से जुगल भैया बोले कि सर आप ऐसा करो यहाँ से एच माइनस एक्स वन बाई, अब आप ए ए काट दो, अब काम हो गया उसका ठीक है। अब जुगल भैया बोले सर इसको भी काट दो, किसको बी बी बी, कोई बुराई नहीं है। अब देखो एच कोमा के मुझे निकालने थे, अब देखो तुम ये वाला कुछ बनाया था गंदा सा, यस सर दिख रहा बेटा तुमको कुछ गंदा सा बनता हुआ। हाँ सर। अब तुम बोलोगे सर अभी क्या किया जाए, अब देखो तुमने बोला सर इससे आपने क्या सिखा दिया, आप ऐसे सीन मार रहे थे, अरे इधर देखो ये तीन कोमा कितने चार, ऐसे एक समझा रहा हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन ले रहा हूँ जो कैलकुलेशन इजी हो जाए, मुझे क्या निकालना है फुट पर पेंडिकुलर निकालना है कौन से क्यू, तो जो भी निकालना है एच माइनस एच मान लो इसमें से माइनस क्या कर दो थ्री अपॉन वन ए माइनस फोर अपॉन में एक्स, देखो यहाँ पे नीचे क्या था ए, एक्स का ए का मतलब एक्स का क्या लगा हुआ है वाई का क्या लगा हुआ बेटा माइनस लगाना है माइनस लगाना है, ये वाला पॉइंट इसमें नाक दो नाखा प्लस फोर माइनस नाइन, अरे सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बाकी समझ में आया यस सर, एच की वैल्यू अगली लाइन में रेडी बैठी हुई है इसको सॉल्व करते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना दुनिया का सबसे इजी काम है, दोबारा से सीख मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में अभी क्योंकि ये बोल बच्चा चला बैठा। देखो प्रूफ तो तुमको इसलिए बताया कि तुमको पता होना चाहिए थोड़ी थोड़ी चीजें, ये मान लो ये वाला इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना कौन सा है, मैंने एच कोमा, तुम आज के बाद सवालों में अप्लाई करोगे इसे दुल्हन की तरह मत करते रहना, जो निकालने एच माइनस क्या करोगे एक्स वन अपॉन में एक्स कोऑर्डिनेट का कोएफिशिएंट के माइनस वाई वन अपॉन में बी माइनस ये मुक्त दो एक्स वन प्लस बी ए वाई वन प्लस सी बाई एस प्लस फॉर्मूले में आता अंडर रूट आता था, इधर क्या आएगा कुछ नहीं माइनस आएगा डायरेक्ट में, अरे ये तो फॉर्मूला लिखा है। हाँ सर ये तो मस्त टेक्निक है फुट ऑफ पर, अरे ये सब भला टीचर बताते हैं लेकिन प्रूफ कोई नहीं बताता ढंग से, पर बताते हुए तो लंबी कैलकुलेशन थे, इसमें गेम किसका था रेशियो और ये वाला जो मैंने ये वाला इसी सवाल के पैसे, और तुमको याद ये याद आएगा कभी क्वेश्चन यूज करना पड़ जाए तो कर लोगे ना। हाँ सर कंप्यूटर तो हर कोई यूज कर लेता है, नर्से नर्से ऐड कर दी डॉक्टर डॉक्टर ऐड कर दिए परपेंडिकुलर चमक गया यस सर। अमन बोला सर लगे आ तो आप इमेज का भी फॉर्मूला बना दो, किसका इमेज किसका इमेज इमेज, बोला अमन वेरी गुड ब्रो आज आपने क्या पूछा है इमेज, प्लीज सर हम एक साथ नोट करेंगे टॉपिक का नाम क्या है इमेज पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन लाइन। ओहो अमन बोला सर ये तो ये ला लाइन सेक्सी लाइन कौन सी अक्स प्लस बवाई प्लस इजिकल टू जीरो, और भैया ये कौन सा मान लिए पंकज के कोऑर्डिनेट एक्स वन कोमा वाई वन वाई वन, अरे कौन सा जिस पर है अपने को क्या निकालना बेटा, ये इस बार ये नहीं निकालना इसकी इमेज निकालनी, क्या निकालनी है इमेज, मैंने मान लिया एक्स वन डैश और क्या मान लिया वाई वन डैश। अच्छा मुझे बताओ तुमने अभी ये एच कोमा के तो अभी सीखे थे थोड़ी देर पहले क्या एच माइनस एक्स वन बाई ए इजिकल टू क्या सीखा था के माइनस वाई वन बाई बी इजिकल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में क्या लिखा था ए स्क्वायर अंडर बी स्क्वायर। अब तुमको पता है एक्स और एक्स वन डैश का मिड पॉइंट क्या है एच कॉमा के, याद आ रहा है क्योंकि इक्विडिस्टेंस होता है तो yes, sir. का मतलब यहाँ पे तुम एच की जगह क्या ले सकते हो x plus x1 dash by 2 minus x1 upon में कितना a k की जगह क्या ले सकते हो बेटा y1 plus y dash minus y1 upon में बेटा तो सर upon ये x1 आएगा ना, अरे h की जगह क्या लिखोगे h की जगह मिड पॉइंट किसका है, हेलो आवाज आ रही है अरे अरे ये समझ गया सर by 2 भी तो आएगा b is equal to ये तो सेम रहेगा हां सर, इसका फॉर्मूला बना देते हैं ये टू उधर चला गया तो कितना हो जाएगा बेटा
एक्स वन डैश माइनस एक्स वन अपॉन टू है, टू टू उधर, टू उधर भेजूंगा मैं, वाई वन डैश माइनस वाई वन अपॉन में कितना बी इक्वल टू कितना देगा माइनस टू माइनस टू प्लस बी वाई वन अपॉन में कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो निकालने वो पहले रखे हैं, जो निकालने ये इमेज जो निकालनी थी माइनस जो दिया है इमेज में भी था ना, जो फुटो परपेंडिकुलर में भी किया था, जो निकालने उसको पहले रखा, माइनस कौन सा किया जो दिया है। अब मैंने कल को तुमसे इमेज का फॉर्मूला इमेज पूछ लू, तुम ऐसे फटाफट चलते हो 3.4 है, एक सेक्सी सा पॉइंट ले लो जिसका रूट अच्छा है 3x + 4y + 5 = 0 इसकी इमेज पूछ लू। क्या मान लो अल्फा कॉमा क्या मान लो बीटा, तो अल्फा माइनस 3 x के 3 लगा हुआ है, बीटा माइनस 4 अपॉन में y के क्या लगा हुआ है 4 माइनस 2 माइनस 2 क्योंकि इमेज है, ये पॉइंट मुक दो, मुक दिया 9 यस सर 16 माइनस 5 कोई बुराई नहीं है, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे अंडर रूट नहीं आएगा सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा ना, तो 25 आएगा, प्लस 5 होगा ना, क्या बेटा प्लस 5 क्यों, अच्छा यहाँ पे क्या हाँ चमक गया, इसको इसको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू होगी बेटा, इमेज मिल गई, खत्म काम, खत्म कहानी, कुछ समझ में आया हाँ सर, ओके, ज्यादा फास्ट तो नहीं हुआ ना, नहीं 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 सर, चलो फिर कहाँ से तुम स्टार्ट करोगे, फुट तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो गया सर, अरे लिख लो लिख लो, ये अमन बिगाड़, अरे नहीं लिखा नहीं लिखा सर, थैंक यू बेटा, जो कर मैंने सोचा आप टाइम नहीं दोगे, मैंने स्क्रीनशॉट लेके लिखा, ऐसे मैं 30 सेकंड का परंपरा चालू करने वाला एडवांस मैच में, 30 सेकंड में लिख लो जो लिखना है, हैं बेटा ऐसे टाइमिंग वाली कैलकुलेशन कहीं और से सीखे तूने आजकल, हो कल किसी ने बोला 10 मिनट मजाक हो जाता, कौन था वो किसी मैच में फॉर्मूला भी याद हो गया ना, अभी तो कोई टेंशन ही है ना, नहीं सर नहीं सर, वो तो परपेंडिकुलर की टेंशन लेने का नहीं देने का है। तुम तो भावुक हो जाते हो सर, वो अल्फा माइनस 21 बाय 5 बीटा माइनस 28 बाय 5 वो पता नहीं, मैंने सही क्वेश्चन बनाया था समझाने के लिए फॉर्मूला ना सर, इमेज वाली स्लाइड, एक एक मिनट सर, ये लिख लो बेटा आराम से, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत है ही नहीं, हो गया सर, हो गया यस सर, अब मैं कुछ कुछ और बताता हूँ, इमेज बाकी है ना सर, अच्छा इमेज बाकी है, ये लो रब क्वेश्चन की आज नहीं हो पाएंगे, नहीं नहीं कुछ तो कराऊंगा ना, आज तो थ्योरी भी खींच दी ना मैंने टोटल पे, अच्छा इक्वल इंक्लाइन विद एक्स एक्सिस है नॉन पैरेलल लाइन, तो m1 + m2 कितना होगा 0 0 हां ये ध्यान रखना, लिख लिया तो मुझको बता देना, लिख लिया सर, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, मजा तो अभी आएगा ना जब क्वेश्चन करेंगे, चमकाएं यस, पहले इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेता हूं, लगे तो चलो लिखे क्वेश्चन, यस सर, तुमको अपनी अप्रोच सेक्सी बनानी है, पहला क्वेश्चन, हम्म,
इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो इफ द वर्टेक्स 1 कॉमा माइनस टू फाइंड इक्वेशन ऑफ बी सी. क्या अप्रोच क्या होना चाहिए? सेक्सी अप्रोच बताओ, फालतू के अप्रोच मत बताना. सर ये उसका इमेज होगा. हाँ बस मुझे तो वही प्रैक्टिस करानी. ऐसे मत करना वो इसकी स्लोप ये है तो उसकी ये हो जाएगी. ये तुमको पता ना परपेंडिकुलर बायसेक्टर इसका मतलब ये और ये दोनों क्या इक्वल. इसका इसका मतलब ए का इमेज क्या हो जाएगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बी बी और ए का इधर इसका ऐसा हो जाएगा तो ए का इमेज क्या हो जाएगा सी. अब मुझे इमेज वाले फॉर्मूले की प्रैक्टिस निकाल के ए और सी बी और सी के कोऑर्डिनेट बता दो. समझ में आ रहा मैंने क्वेश्चन तो दूसरी अप्रोच भी हो सकता है. कैसे दूसरी अप्रोच क्या है बताओ. दोनों के स्लोप निकालेंगे माइनस वन प्रोडक्ट करके ए बी और ए सी का स्लोप निकालेंगे. इसका इसका माइनस वन बाई टू है तो टू हो जाएगा तो इसकी इक्वेशन आ गई है. इसकी इक्वेशन आ जाएगी और फिर अपन क्या कर सकते हैं फिर बाद में एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है. कैसे बीच बीच बोल तू कैसे करता है इस अप्रोच को. निकाल लेते ए बी और ए सी का यदि इमेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लिक होता तो सर ये इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा x माइनस y प्लस 5 और x प्लस 2y वो सर्कमसेंटर और फिर मतलब उधर से जो a से हम रेडियस निकाल सकते हैं और वो डिस्टेंस मिल जाएगा तो फिर a b और c के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पता है. दोनों पॉइंट पता चल गए तो इक्वेशन मिल जाएगी. चलो मैं इमेज वाला मैप करता हूं तुम दूसरे तरीके से करके लाना ठीक है. बनाने को तुम्हारे सामने करके दिखा रहा हूँ. तुम ऐसे कई बच्चे होते लिखते अल्फा बोर्ड बेटा अरे क्या टेंशन लेते हो इसको मान लो एक्स माइनस वन अपॉन में नीचे क्या है वन दिख रहे माइनस वन माइनस टू टाइम्स इमेज है पॉइंट मुक दो वन प्लस टू प्लस फाइव अपॉन में टू कोई बुराई दिख रहा है. अरे हाँ तो ना तो बोलो. हाँ दिख रहा दिख रहा है. एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरे शेर पुत्रो माइनस कितना 7.6 आ गई माइनस एट माइनस टू अच्छा माइनस वन एट माइनस टू सिक्स आ गई सही है चमक गया नीचे माइनस वन भी तो है. यस अरे प्रोफेसर हैंग तो नहीं हुए. नहीं 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 सर दौड़ रहे फिर से बताओ मैं फिर से डिस्कनेक्ट हो गया. मैं ये काम नहीं करने वाला वीडियो ले लेना उससे. अरे सर
ऐसे तू तो 15 बार होगा, मैं 15 बार एक चीज बताऊंगा, कोई खास बताया नहीं वैसे, तुम समझ जाएगा। एसी में देख, एसी में क्या होगा, फटाफट बोलो, एसी का कुछ मत मानो, एक्स माइनस वन अपॉन वन, ये तो सेम, प्लस टू अपॉन माइनस वन इजिकल टू क्या आएगा, प्लस टू आएगा ना ब्रो, नीचे प्लस टू है, वन प्लस वन माइनस टू इंटू माइनस थ्री, और ये तो बेशर्म है, ये तो कितना आने वाला है, माइनस टू वन माइनस टू माइनस फोर अपॉन में कितना, इमेज सही कर रहे हो ना ये, नहीं एक नया पाकिस्तान से फॉर्मूला लेके आए हैं, ठीक है, वन फाइव, हाँ सर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री सिक्स सिक्स बाय फाइव प्लस वन, मतलब क्या तुमको ये समझ में आया, यस सर, देखो मैंने वन लाइन में खेल खेल दिया, तुम देख अब क्या हो जाएगा, बीसी के क्वेश्चन लिख सकते हो, अभी तो सब कुछ लिख सकते हो, मैं फिर भी लिख देता हूँ तुम्हारे, 2 by 5 minus 6 मतलब होगा -28, मतलब -28 बीसी स्लोप निकाले तो 2 by 5 minus 6 11 by 5, कैलकुलेशन गलत मत करना, +7 कितनी आ रही है, स्लोप बता दो बस मुझे, तो कब कहां पहुंचते, किसी के मजे ले लेना, ऐसे सवाल ले लेना किसी किसी के भी, उसमें भी वो प्लस माइनस में दो आते हैं। कल अपन बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत अच्छी, क्योंकि आज मैंने थ्योरी में थोड़ी क्या कर दी है, फटाफट में, हाँ तो अपन कल थ्योरी पे, अभी कल क्वेश्चन और खींच दूंगा मैं, तो बेटा जो सेक्शन ए बी सी है उसके जो भी डाउट्स है जल्दी जल्दी ग्रुप में मुझे कल सुबह 11 बजे तक पोस्ट कर देना, मोस्ट प्रॉब्ली मैं तुमको उसको सोल्यूशन जैसे भी टाइप वाइप करवा के या मुझे लगा लिख के हो जाए तो मैं तुमको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, चलो मिलते हैं आज की थ्योरी के लिए, देख लेना बहुत फास्ट हुआ है, यदि समझ में तो आ रहा है ना सबको, यस सर, चलो बेटा, थैंक यू, बाय सर, बाय सर, बाय बाय बाय।